हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग पर। आज मैं आपको ट्रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रस जो होती है हमारी टू टाइप होती है, यानी दो प्रकार की होती हैं, किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस। आज इस वीडियो में मैं आपको किंग पोस्ट ट्रस बताने जा रहा हूँ। ये मैंने नाम लिखा हुआ किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस की जो हमारी लंबाई होती है 5 से 8 मीटर तक तो होती है। ये जो ट्रसें हैं आपको पुलों पे ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर जब आप जाओगे तो उस तरफ वहाँ देखोगे ये, तो इस तरह की रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा पाई जाती हैं ट्रसें। इसमें मैंने स्केल लिया है 1:25, 1:25 का मैंने इसमें रेशियो लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो जैसे 5 से 8 मीटर है, मैंने इसमें 5 मीटर लिया है। 5 से 8 मीटर तक आप कितनी बड़ी ट्रस बना सकते हो, मैंने 5 मीटर के लिए। अब आप इसको पहले चेंज करोगे सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 500, 5 मीटर को चेंज करोगे 500 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 500 सेंटीमीटर, उसके बाद में आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसके लिए रखा है मैंने 1:25 का, 25 का भाग दोगे 5 मीटर। आपने ये खींची डॉटेड लाइन खींचोगे पहले, ये आपकी जो डॉटेड लाइन है ये इसे कहते हैं हम टाई बीम। 28×10 सेंटीमीटर की हमारी ये होती है पूरी, ये टाई बीम इसे पूरा बोलते हैं। एक हमने टोटल लाइन खींची, उसके बाद में 28 का हमने ये लिया, आधा आधा कर लिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार बता भी चुका हूँ, स्केल आपको किस तरह लेना है। जितनी भी आपकी डायमेंशन होंगी इसके अंदर सभी में आप स्केल आपका 25 का है, 1:25 का है, तो 25 का डिवाइड करोगे आप हर डायमेंशन में। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, हर डायग्राम में आपको बताता हूँ। तो ये आपकी टाई बीम है, टाई बीम हमारी 28×10 सेंटीमीटर की, 28 यानी आधा आधा हो गया। लाइन खींचेंगे आप इस तरह, आपने ये लाइन खींची 5 मीटर की है ये, यानी 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये रहा आपका 500 सेंटीमीटर। उसके बाद में लाइन खींचने के बाद में 300 mm की मैंने दीवार बनाई है, यानी वॉल। 300 mm का बॉल लोगे इधर भी और इधर भी। 300 mm की बॉल लेने के बाद में ये जो आपका एंगल है ये 30 का एंगल है। 30 एंगल पे आपकी जो वॉल है इसमें बीच में रिएक्शन होगा, इसका ऊपर तक रिएक्शन करोगे, इस तरह रिएक्शन करोगे, मतलब जो इधर होगा वही इधर होगा। रिएक्शन करने के बाद में आप 30 का एंगल बनाओगे यहाँ से, जब ये हमारा 30 का, तो अभी 30 का होगा, सिंपल है। 30 का एंगल बनाएंगे हम, एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, इस डॉटेड लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल राफ्टर। ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर, इस डॉटेड लाइन को कहते हैं। आप इसको डॉटेड लाइन 30 के एंगल पे, यानी 30 के एंगल पे डॉटेड लाइन खींचोगे, फिर इधर आओगे, इधर से आप 30 के एंगल पे डॉटेड लाइन खींचोगे। जब इधर से भी आप डॉटेड लाइन खींचोगे, इधर से भी खींचोगे 30 के एंगल पे, तो कहीं ये आपस में कट करेंगे, ये रहा बिंदु, यहाँ पे आपस में इन्होंने कट कर दिया इस बिंदु पे। कट करने के बाद में इसका आधा निकालोगे पूरी लंबाई का, यानी हमारी कितनी थी ये 5 मीटर, ये हमारी 5 मीटर थी। 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर, 25 का भाग देंगे आप, यहाँ पे आधा निकालेंगे, 5 मीटर का आधा निकालेंगे। आधा निकालने के बाद में आप एक परपेंडिकुलर, यानी बिल्कुल लंब लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे इसे, इसको कहते हैं हम किंग पोस्ट। जो हम लाइन खींचेंगे अब इसे कहते हैं हम किंग पोस्ट। ये जो हमारी आधी, मतलब आधी लंबाई पे, मिड पॉइंट पे, यहाँ पे हमारी लाइन होगी, जहाँ पे ये काटेंगी वहां जाके मिलेगी। देखो मेरा ये मिल रहा, नीचे की किंग पोस्ट लाइन आ रही है, ये प्रिंसिपल राफ्टर आ रहा, तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंसिपल राफ्टर, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, इसकी जो माप है वो 15×10 सेंटीमीटर की है, यानी 25 का भाग देंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। स्केल जितने का है, 15 का आधा कितना हो गया आपका 7.5, 7.5 इधर लोगे, 7.5 इधर लोगे, और इस तरह आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर 7.5 ही इस पे लोगे। ये आपका भी है, ये भी आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, और ये भी प्रिंसिपल राफ्टर है, 7.5 लोगे, आगे खींचती। इसके बाद में आप यहीं पे भी छोड़ दोगे इनको, उसके बाद में आप इधर आओगे, ये किंग पोस्ट जो होता है उसकी माप है 10×15, यानी 5 इधर और 5 इधर, 10 से 10 आपको आगे दिखेगा, 15 ही आपका पीछे है। ऐसे इसमें था 15 आपको आगे दिखेगा, 10 इसका पीछे है, तो पीछे से हमें कोई मतलब नहीं, जो हमें आगे फ्रंट से दिखेगा वो बनाएंगे हम। किंग पोस्ट में 10×15, 10×15 आपका ये है 10, 5 इधर आगे 5 इधर आगे। ये जो आपका था ये 30 की लाइन जा रही थी, जो हमने 7.5 इधर किया था, ये यहाँ पे मिलती है इस पे मिलाने के बाद हम नीचे लाते हैं, यहाँ तक ले आए। अब इससे हम 15 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, ये रहा 15 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद में
इसका कहीं बीच में मिड पॉइंट होगा, इसका ये रहा और इसका मिड पॉइंट यहाँ निकला, बीच का बिंदु जो निकला। 15 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद में इनको डॉटेड लाइन से हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद इसे कहते हैं स्ट्रट। स्ट्रट कहते हैं, स्ट्रट की जो माप है 10x15 सेंटीमीटर, किंग पोस्ट की भी 10x15 सेंटीमीटर है। पांच आप इधर आओगे, पांच आप उधर जाओगे, ये आपने कर दिया। लेकिन जब यहाँ से आओगे तो यहाँ पे आप 1 mm आगे आओगे। इनको दिखाने के लिए मैं 1 mm आगे बढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक पत्ती लगी हुई है, ये आपका सपोज करो लकड़ी का या लोहे का किसी तरह का हो, तो यहाँ पे इनको जॉइंट जॉइंट किया गया है। या तो किसी इस्पात का बना लो या लकड़ी का बना लो, जॉइंट आपको करना पड़ेगा। देख किस तरह टटा रहेगा ये, तो यहाँ पे ये जॉइंट किया गया है, इसलिए यहाँ पे अब इसकी थोड़ी मोटाई मोटाई लोगे। यहाँ से जितनी यहाँ थी उससे 1 mm मैंने बढ़ा ली, यहाँ से बढ़ा 1 mm नीचे तक आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक जॉइंट लगा है। अब हम ऊपर चलते हैं इस वाली लाइन पे, देखो इस तरह एक जॉइंट ये लगा रखा मैंने, ये आपको जॉइंट लगा हुआ है, ये आपके यहाँ पे नट बोल्ट कसे हुए हैं जो मैंने दिखा रखे हैं। ऊपर जाओगे इस वाली जो ये रेखा आई थी हमारी, ये जो लाइन आ रही है हमारी जो हम 7.5 इधर गए थे, इसे यहाँ तक लाओगे। उसके बाद में 5 mm ऊपर जाओगे, इस तरह आप बना दोगे 5 mm ऊपर जाने के बाद में। उसके बाद में क्या करोगे, आप पर्लिन लगाओगे, ये आपकी पर्लिन है, ये इसका माप होता है 15x8 सेंटीमीटर, यानी 15x8 का मतलब हो गया आपका 15 तो इसकी ऊंचाई है और 8 इसकी ये चौड़ाई है। आप तो 8 ये करोगे, 15 ऊपर जाओगे। मैंने 3 पर्लिन लगा रखी है आपने, 1, 2, 3, और 3 ही पर्लिन आपके मैंने इधर लगाई है। पर्लिन लगाने के बाद में क्लीट, ये आपका लकड़ी का होता है। पर्लिन जैसे मैंने यहाँ पे लगा दी आपकी, ये इसलिए लगाया जाता कि ये आपका आगे को ना जाए। जो आपको जो क्लीट लगाया जाता है, देखो आपकी लाइन ये वाली है, जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर गया ये इतना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है, मतलब थोड़ा काटा जाता है लकड़ी, उसके अंदर वो थोड़ी लगाई जाती है, ताकि जब ये आगे को सरके, क्योंकि भाई ढलान है, आगे को सरकेगा आपकी पर्लिन भी सरकेगी और आपकी क्लीट भी सरकेगी सरकेगी, ये तो सिंपल है। इसलिए यहाँ पे गड्ढा करके थोड़ा काट के और नीचे फंसा दिया जाता है, ना फिर आपकी ये सरकती ना क्लीट सरकती। 3 पर्लिन लगा दिए, तीनों के पास मैंने क्लीट लगाए हैं, इधर भी 3 पर्लिन और 3 क्लीट लगे हुए हैं। इसके बाद आप ऊपर चलते हो, इस पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपकी लाइन। एक आप ये करोगे रिज पीस, इसे कहते हैं हम रिज पीस, ये रहा आपका ये रिज पीस है। एक लाइन इसके ऊपर जो हमने पर्लिन लगाई है, पर्लिन के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर ये आपकी 5 सेंटीमीटर से आपकी पर्लिन है, ये रही आपकी 15 ऊपर गए पर्लिन में, 3 ये पर्लिन के बाद में, ये जो आपका रिज पीस है, ये रहा रिज पीस 5 सेंटीमीटर का है। एक लाइन ड्रॉ करोगे पर्लिन पे 5 सेंटीमीटर, ये बनाने के बाद में आपको जो इसका ऊपर का सिरा होगा, देखो ये रहे, फिर इस एक ऊपर के सिरे से लाइन ड्रॉ करोगे। आपका जो MD होगी, MD से जो डायग्राम बनाओगे 30 के एंगल पे होगी आपकी, इस वाली लाइन से ये इसके समांतर ये वाली लाइनें होंगी, आपको दिख भी रहा है सारी लाइनें मेरी इसके समांतर, पूरा डायग्राम ही देखो, ये वाली इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, पूरा का पूरा इसके समांतर खींचेंगे। इसके ऊपर से आपने यहाँ तक खींच दिया, इसके बाद में आप नीचे को थोड़ा सा आप आए, यानी आप 4 सेंटीमीटर आ सकते हो, मिनिमम जो होती है इसकी 4 सेंटीमीटर होती है, 4 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। इसको कहते हैं हम एलवेस बोर्ड, इसकी जो होती है 25x100 mm इसकी माप होती है, ये आपको ये दर्शा रखा मैंने, एलवेस बोर्ड कहते हैं 25x100 mm इसकी माप होती है। इसी तरह आप इधर करोगे, पर्लिन के ऊपर आओगे, पर्लिन के ऊपर आ गए आप, पर्लिन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आपका रिज पीस है ये, रिज पीस के ऊपर जो आपका सिरा है इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे। आप यहाँ आ गए, आपने एलवेस बोर्ड लगा दिया, इधर पूरी एलवेस बोर्ड ये लिख लिया, क्योंकि मैंने सारी डायमेंशन और नाम जो भी यहाँ लिख दी, इसलिए यहाँ पे लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारी डायमेंशन और नाम मैंने इधर दिखा दिया आपको। इधर बनाने के बाद में जब आप इतना बना लोगे, यहाँ तक आपका डायग्राम बन गया, इसके ऊपर फिर आप लगाते हो बैटन 40x50 सेंटीमीटर। अब बैटन 40x50 तो आपका ये है और 40 ये है, यानी 40 ऊंचाई है, 50 की चौड़ाई है। 1, 2, 3 बैटन मैंने लगाए हुए हैं, 1, 2, 3, इधर भी आपके 3 बैटन है और इधर भी आपके 3 बैटन है, मैंने 3 बैटन यहाँ पे लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बैटन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में
2 mm जाके फिर एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ऐसे इधर आपकी बैटन है, बैटन के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ करी 2 mm के बाद, फिर लाइन ड्रॉ करिए, फिर इसके ऊपर मैं रिज कवर लगाया, इसे कहते हैं 3-way स्ट्रिप, और इसको जो ऊपर है आपका इसे कहेंगे हम रिज कवर। इस वाली लाइन से तो आप आएंगे, आप कितना भी आ जाओ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ तक आओगे तो ठीक नहीं लगेगा, हालांकि यहाँ तक बहुत है। यहाँ पे आने के बाद में फिर 2 mm आप ऊपर जाएंगे, 2 mm ऊपर जाके फिर लाइन करेंगे, इस तरह कर देंगे, क्योंकि ये जो आपकी ट्रस है, मान चलो ऊपर से इस पे बरसात पानी जो भी पानी डाला जाए, ये आपकी GI सीटें लगी हुई, ये जो है ये आपका रिज कवर है ऊपर से, ताकि अंदर इसमें कोई द्रव या पानी जो भी है बरसात का पानी ना जाए, इसलिए आपकी रिज कवर है, रिज कवर ऊपर से लगाई। ये आपकी जो है, देखो मैंने ये लिख रखी है यहाँ पे GI सीट 25 mm थिक, बहुत ही छोटी है, इसलिए इसी लाइन पे आप ड्रॉ कर दोगे। इस लाइन पे ड्रॉ करने के बाद में ये आपकी पूरी की पूरी GI सीट है, आपने रिज कवर है, ऊपर से हमने एक कवर लगा दिया ताकि अंदर कोई पानी ना जाए, बरसात का पानी अंदर ना जाए, ये फिर रिज कवर है। रिज कवर के बाद में मैंने GI सीट लगा रखी है ताकि जो भी पानी होगा हमारा ढलान होगा नीचे। अब आते हैं हम एलवेस बोर्ड पे, एलवेस बोर्ड पे एक गटर लगाते हैं, क्योंकि अब बरसात जो पड़ेगी हमारी, पानी आ रहा है, पानी तो यार कहीं गिरेगा, कोई ऐसे तो है नहीं कि पानी नीचे गिर जाएगा। अब हम एक गटर लगाते हैं पानी के लिए, कि पानी हमारा कहाँ गिरेगा, पानी गिरेगा हमारा गटर में। गटर की जो माप होती है 15x15 सेंटीमीटर की होती है, यानी 15x15 की। आप एक हाफ सर्कल खींचोगे 15 का हाफ सर्कल, उसके बाद में 2 mm की दूरी लोगे, फिर एक और खींचोगे, यानी इस तरह का आप गटर बना लोगे, और ये आपकी इस तरह आ रही है, ये आपकी GI सीट थी, यानी बरसात पड़ेगी तो इधर से ही आएगा पानी। ठीक है, इसमें कुछ अपने गटर में यहाँ पे पानी गिरेगा, इसी तरह का आप गटर 15x15 सेंटीमीटर का गटर आप यहाँ पे बनाओगे एलवेस बोर्ड यहाँ पे। भाई आपका इस तरह का बरसात का पानी गिरेगा, इसका पानी इस गटर में गिरेगा, और इसका पानी इस गटर में गिरेगा, इससे आप हाफ सर्किल बनाओगे, ना कि कुछ लोग यहाँ तक कर देते, मैंने देखा भी था, और कुछ लोग पूरा हाफ सर्किल ही बनाओगे, आपका हाफ सर्किल होता है, अब यहाँ तक कर दोगे तो पानी आपका यहाँ से हो जाएगा, जब हाफ सर्किल करोगे इस तरह आपकी ये ट्रस बनी हुई, पीछे भी होगा इस तरह, मतलब पूरा बना हुआ होगा एंड तक यहाँ तक, तो इसके पीछे जो होगा पानी उसमें बहेगा, और जहाँ भी इसकी नाली निकाल रखी होगी उसके द्वारा ये आपके ग्राउंड पे आ जाएगा पानी। इस तरह आपको गटर लगाना है, GI सीट मैंने इसके ऊपर से लगा रखी है, और इसका जो स्केल लिया था मैं फिर बता रहा हूँ, 1:25 का था, जितनी भी इसकी डायमेंशन होंगी 25 से हम उसमें डिवाइड करेंगे। अब देखो जो हमारी वॉल थी, इस वॉल से इस वॉल तक, यानी जो इसकी अंदर की जो लंबाई है उसे कहते हैं इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन हिंदी में कहते हैं इसे प्रभावी विस्तार, ठीक है। और बॉल का जो हमारा प्रतिक्रिया है, इसके आधे से प्रतिक्रिया रहती है, तो आपको पता ही होगा रिएक्शन जिसे कहते हैं, यहां से प्रतिक्रिया के बीच तक की लंबाई होती है क्लियर स्पैन, यानी विस्तार, क्लियर स्पैन कहते हैं इसे। और मैंने माप आपको नीचे इसकी दे रखी है 500 सेंटीमीटर में, पहले बता चुका हूँ ये 5 से 8 मीटर के बीच में होती है, मैंने 5 मीटर लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 25 का डिवाइड किया, और मैंने आपकी दीवार की माप भी लिखी है, 300 mm आपकी दीवार की माप है। ये आपका गटर है, यहाँ पे आपकी 3 पोस्ट है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपने एक जॉइंट तो यहाँ लगा दिया ताकि हमारा बिल्कुल कसा रहे एक पास, फिर उसके बाद में आपने ये जॉइंट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने बोल्ट कसे हुए हैं, देखो यहाँ पे मैंने बोल्ट कसे हुए हैं, 12 बोल्ट का हमारा एक बोल्ट है, या तो आप इस तरह जैसे मैंने ये पत्तियां लगाई हैं, इस तरह की एक पत्ती लगा दो पूरी यहाँ से, इस तरह एक पत्ती लगा दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल्ट इसलिए लगाए ताकि आपको, यहाँ तो मैंने बता चुका कि पत्ती आपको किस तरह लगानी, आपको पत्ती तो आगे की पत्ती लगा दोगे, अब कहीं आपको बोल्ट लगाना पड़ जाए, भाई इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल्ट लगा के बताया कि बोल्ट किस तरह लगाओगे, और यहाँ पे आपको मैंने पत्तियां बता दी पत्तियां किस तरह लगाओगे। अब आते हैं बोल्ट पे, बोल्ट किस तरह लगाओगे, 12 का बोल्ट है हमारा, यानी ये उसका ऊपरी सिरा होता है, और यहाँ से हम उसको कसते हैं जिधर चूड़ियाँ होती है हमारे बोल्ट में, इधर से यहाँ तक हमने बोल्ट लगाया 12 बोल्ट का, ये लग रहा बोल्ट, और इस कोने पे ये लग रहा, ताकि ये हमारा इसी तरह रहे, यहाँ से ये पत्ती रखेगी, यहाँ पे ये पूरा जॉइंट रखेगा हमारा,
ये जॉन, ये जॉन और इधर है ये होती है आपके किंग पोस्ट ट्रस। मैं पहले बता चुका हूँ आपकी दो ट्रसें होती है, किंग पोस्ट ट्रस होती है और एक होती है आपकी क्वीन पोस्ट ट्रस। इसमें मैंने आपको किंग पोस्ट ट्रस बताया है, क्वीन पोस्ट ट्रस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।